good luck. Same to you. Thank you. You're most welcome. You're come then. करीबन 8.5 बरस का था जब पिताजी गुजर गए। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। आज मेरे पास करोड़ों रुपया है, मोटर हैं, बंगले हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैं भी चाहता हूँ मेरी शादी हो, घर हो, बच्चे हो, बीवी हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाता जो भी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है वो मुझसे प्यार करती है या मेरी दौलत से। अरे सुनील, सभी लड़कियां कैसी तो नहीं होती। शायद तुम ठीक कहती हो शानू। मैंने बहुत सी लड़कियों की आंखों में झांक कर देखा, लेकिन जो बात तुम्हारी आंखों में है वो किसी की आंखों में नहीं। सुनील शानू, जब पिताजी गुजर गए। माँ ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। आज मेरे पास सब कुछ है, करोड़ों रुपए हैं, मोटरें हैं, बंगले हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। मैं भी चाहता हूं मेरी शादी हो, एक घर हो, बीवी हो, बच्चे हो। सैकड़ों लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा वो मुझसे प्यार करते हैं या मेरी दौलत से। मगर सुनील, क्या तुम ये नहीं पहचान सकते कौन तुम्हारी दौलत से प्यार करता है और कौन तुमसे? शायद तुम ठीक कहती हो रेनू। मैंने सैकड़ों लड़कियों की आंखों में झांक कर देखा, लेकिन जो बात तुम्हारी आंखों में है वो किसी की आंखों में नहीं। सुनील, का था जब तब कुछ नहीं। मैं समझ गई सुनील, मैं समझ गई।
तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला पद्मा भाई, साला बेहद अय्याश है, हर रात नई रंगीनियां चाहिए उसे। बस मैं भी यही सुनना चाहती थी, अब मैं उसे आसानी से बर्बाद कर सकती हूँ, उसके बाप का जुल्म का बदला ले सकती हूँ। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अकेली, साले के पास इतना पैसा है कि आधा शहर खरीद सकता है। और मेरी छोकरी के पास इतना हुस्न है कि सारी खुदाई उस पर पागल हो सकती है, बस एक बार दोनों को मिलवा दे। अरे मिला तो जब बोलो देता हूँ, मगर ये अगर मगर छोड़ो, करे बाजार उसकी इज्जत नीलाम ना की तो कहना छोकरी को बदले और नफरत की घुट्टी देकर जवान किया है। मोस्ट वेलकम। कमाल है, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा कभी नहीं आता, कभी कभार प्यार जरूर आता है। इसका मतलब है आपने मुझे माफ कर दिया, थैंक्स। आप अक्सर किस रास्ते से गुजरती हैं? बात यह कि मेरे पास 5-6 गाड़ियां और भी हैं। छोटी सी टक्कर क्या हो गई, घर का पता पूछने लगे? माफ कीजिए, कोई एवे ही नहीं टकराता, हर टक्कर के पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। इस टक्कर के पीछे क्या मतलब हो सकता है? डेस्टिनी, तकदीर। बेटा, हम दोनों की प्रॉब्लम एक है, क्यों ना हम एक हो जाएं? जो चीज मैं मिस कर रहा था वो तुम में है, और जो चीज मैं मिस कर रही थी वो आप में है। सुनिए, जो बात आपकी आंखों में है मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी। ओह माय गॉड, क्या हो? सुनिए, मैं जब से यहाँ आई हूँ ये बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं। अच्छा, लौंडिया पटाने आता है? करना तो लोहे का दिल रखो। मैं अपने मौसीन का नाम पूछ सकता हूं? नाम में क्या रखा है? बाबा, यहां मेरा छोटा भाई पढ़ता है। तुम्हारा छोटा भाई जरूर तुम्हारी तरह स्वीट होगा, मुझसे कहीं ज्यादा, बहुत प्यार करता है मुझसे, हर महीने उसे मिलने यहां आता हूं। गुड्डू,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजा आजा। कैसा है तू? हाँ ये तुम्हारे लिए। अरे ये बोलता नहीं। नहीं बचपन में सख्त बीमार पड़ गया था, बीमारी से उठने के बाद बोल नहीं सका। ओह हाउ टेरिबल। ये तुम्हारी आंटी है। आंटी नमस्ते। तो हाउ स्वीट। हाय बेलाम दोस्त। हाय। चाहे कह लो ये दुनिया छोटी है या ये जगह, कुछ तो चक्कर जरूर है कि हम और तुम आपस में फिर इतनी जल्दी टकरा गए। टकराते तो दुश्मन है और तुम तो अभी अभी मुझे दोस्त कह चुके हो। देखो आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम अपना नाम बताओ या ना बताओ, आज की शाम तुम मेरे साथ गुजार रहे हो। नहीं दोस्त, आज तुम हमारे मेहमान हो। ओके डन। यार कुछ भी कहो आदमी तुम मजेदार हो। ये तुम नहीं शराब बोल रही है। आदमी अगर सच बोलता है तो सिर्फ नशे में। तुम्हारा मतलब है कि राजा हरिश्चंद्र हर वक्त शराब पिया करते थे। अभिलाष यार हमारी दोस्ती दो दिन पुरानी हो गई लेकिन अभी तक अपने बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। यार बताने को है ही क्या, मामूली सा आदमी हूं। शिमला में दो चार एप्पल गार्डन हैं, बिजनेस चल जाता है, जहां कहीं भी जाता हूं होटलों में ठहरता हूं। और फुर्सत मिलने पर इश्क लड़ाते रहते हो। नहीं दोस्त अपनी जिंदगी में इश्क नाम की कोई चीज नहीं है। अरे कमाल है, विदाउट लव देयर इज नो लाइफ। तुम जीते हो कैसे? एक चीज की खोज में। अच्छा यू मीन रिसर्च? नहीं यार। और क्या, सोना बनाने का नुस्खा? यही समझ लो, जिस दिन खोज पूरी हो गई ना जिंदगी का रंग ही बदल जाएगा। अच्छा ऐसी कौन सी बात है? एक बात है। बताओ ना यार, दोस्त बनाया है? जरूर बताऊंगा दोस्त, लेकिन वक्त आने पर। प्रॉमिस। हम जिसे एक बार दोस्त कह रहे थे ना उसे कुछ नहीं छुपाते। That's the spirit. वैसा हमने भी अपनी जिंदगी की किताब खोल के तुम्हारे सामने रख दी है और उसमें लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही कांटा है, तुम्हारा अंकल। हाँ यार पता नहीं वो कांटा किस दिन चुभ जाए। मैं आपको 3 महीने की तनख्वाह बोनस में देता हूँ। सेठ जी की जाय नहीं, वर्कर्स की जाय। गुप्ता जी, जी हमारी जमीन के प्लॉट पर इन लोगों की जो झोपड़ियां बनी हैं उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी में बदल दो जो? और हमारी तरफ से वो जमीन इन्हें दान कर दो। धन्यवाद धन्यवाद। माफ करना थोड़ी देर हो गई मगर इंतजार में बड़ा मजा है। कुछ तुम बेचैन कुछ हम बेचैन माई डार्लिंग। एक मिनट बहुत जरूरी फोन करना है। शर्मा जी। हाँ शर्मा जी बोल रहे हैं आप? देखिए हमारे प्लॉट पर वर्कर्स के जो झोंपड़े बने हुए हैं वो रातों रात जला देने चाहिए। हाँ सुबह तक वो प्लॉट हमें खाली मिलना चाहिए, बिल्कुल खाली। हाँ ये सब क्या है चाचा जी, आप मुझे बिजनेस से अलग क्यों करना चाहते हैं? तुम्हारी बात चलनी और आवारगी की वजह से मुझे खानदान की इज्जत इतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हारे पिताजी को थी। पैसा चला जाए वापस आ सकता है मगर इज्जत चली जाए वापस नहीं आ सकती। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? हर रात शराब की बोतल, हर रात नई छोकरी, हर रात बदमाश दोस्तों की सोबत, और क्या सबूत चाहिए? आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं। सुनील अब तुम्हारे हमारे रास्ते अलग हैं, जो बात करनी है मेरे वकील से जाकर करो। चाचा जी अगर आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरा हिस्सा हड़प करना चाहते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने कहा ना जो कुछ कहना है मेरे वकील से कहो। ठीक है। सुनील साहब आपके अंकल ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं क्या सोचकर फैसला किया है। बिजनेस हाउस की इज्जत शीशे की दीवार होती है, स्कैंडल का हल्का सा पत्थर लगने से चकनाचूर हो जाती है। वकील साहब आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं, साफ साफ बता दीजिए मेरा कसूर क्या है। कसूर? शराब, औरत, जुआ, फ्रॉड, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है।
आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे अपनी प्रॉपर्टी से अलग नहीं कर सकते। आपके अंकल के पास हर चीज का सबूत है। लेकिन जितना अंकल उस प्रॉपर्टी के हकदार है मैं भी उतना ही हूँ। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपके पिताजी ने पावर ऑफ अटॉर्नी आपके अंकल को दी थी। मैं कोर्ट में उस पावर ऑफ अटॉर्नी को चैलेंज कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो कोर्ट में जाने की कोशिश भी न करता। और अगर मैं अपने अंकल की जगह होता तो आग से खेलने की कोशिश नहीं करता। मैं बुरा आदमी सही लेकिन अंकल भी कोई फरिश्ते नहीं है। मैं कोर्ट में उनको एक्सपोज कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो स्पीकिंग। ओ नो, क्या ये वाकई सच है? आई एम वेरी सॉरी सुनील साहब, यू आर डैम लकी। क्यों, अंकल ने फैसला बदल दिया है क्या? सब कुछ आपके हवाले कर दिया है। ये कौन सी नई चाल है? योर अंकल इज डेड। ये क्या कह रहे हैं? वो आपको अलग जरूर करना चाहते थे लेकिन इत्तेफाक से मरने से पहले वो अपनी वसीयत ना बना सके। एंड दैट इज योर गुड लक। सर, मेरी ये फीलिंग है कि मिस्टर कैलाश कपूर का एक्सीडेंट हुआ नहीं, किया गया। मगर हमारे पास इसका क्या सबूत है? सबूत तो कोई नहीं, मगर तुम भूल रहे हो इंस्पेक्टर दिनेश, कॉर्नर की रिपोर्ट आ चुकी है। मेरा ख्याल है कि इस केस की फाइल बंद ही कर दी। सर, मकतूल के जिंदगी के कई रंग थे, कईयों को उसके मरने से फायदा हुआ, इनमें से कोई भी कातिल हो सकता है। हर मौत से किसी ना किसी का फायदा होता है, इसका मतलब नहीं कि हर मौत को मर्डर केस समझा जाए। आई थिंक वी शुड क्लोज द फाइल। और अच्छा, एज अ शेफ डाले, बहुत लकी हो, वरना अंकल ने तो गला घोटने की पूरी कोशिश की थी। देखो यार, अंकल का स्वर्गवास हो चुका और स्वर्गवासियों के बारे में कुछ बोलना अच्छा नहीं। तुम भी हिपोक्रेट यार, सभी को मालूम है वो क्या थे। अरे उनका बस चलता था तुम्हें किसी जतीम खाने में पहुंचा देते। अरे प्यारे, ये वहां भी आराम से जिंदगी गुजार देते अगर उन यतीमों में दो चार खूबसूरत पटाखे। हेलो हेलो, क्या हाल है? एवरीवन ओके? हाय मिलेनियर। हाय किलर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं समझ रही थी कि हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। और मैं जानता था हमारी मुलाकात बार बार होगी। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। मित्रगण, जाने की सुविधा दीजिए, किंचित सहायता कीजिए, थोड़ा मार्ग दीजिए, क्षमा कीजिए। हेलो सुनील। शास्त्री जी, आप तो पूरा फ्रूट मार्केट उठा के ले आए। सोचा लक्ष्मी आई है तो मदिरा तो आएगी, जब मदिरा आएगी तो स्वास्थ्य संकट में पड़ेगा ही, इसलिए फल फूल लेकर आया हूँ। थैंक यू थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्तिशाली राजा अश्वमेध यज्ञ रचा रहा। मित्र, विलायती मुजरे का प्रबंध है कि नहीं? विलायती मुजरा अर्थात कैबरे इत्यादि इत्यादि। अरे शास्त्री जी, अपने नाम की तो लाज रखो, इतने गंदे विचार। एक प्रश्न पूछो। पूछो। अगर मेरे नाम के आगे सिंह लगा होता, शेर सिंह लगा होता, तो क्या मैं तुमको कच्चा चबा जाता? क्षमा करना। फिक्र मत करो, शुद्ध भारतीय संगीत का प्रबंध किया है। संगीतकार स्त्री है कि पुरुष? ये है शास्त्री, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत ऊंची चीज है शास्त्री जी। ये है रीटा। ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी पर कोई अप्सरा उतर आई हो। शास्त्री जी, आप किसकी कृति है, कवियों की या स्वयं ब्रह्मा की? शास्त्री जी, मैं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। शास्त्री जी, क्षमा कीजिए, रीटा जी ही गाएंगी। मैं गाऊंगी। ऑफ कोर्स टू सिंग टुडे। मेरे लिए गाइए ना। लेडीज एंड पापा सो गए। पापा आ गए। ए छोटी, अंधी है क्या? ए अंधी होएगी तू।
तो कपड़ों का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से बकवास करती है। अरे रोटी काय को पैसे ले लेना। अरे मालती, माफ कीजिए। जंगली कहती। देखो बाबा, मुझे जंगली बोलती। राम चरण, ले जाओ। चल मेरे साथ। I'm sorry. मुझे नहीं पता था कि आपने गांव से भी लोगों को इनवाइट किया है। Oh, now, come on, forget it. What cut? है क्या? जाने दीजिए मत। बाबा, ये कौन लोग हैं इतने सारे? अरे सेठ के मेहमान हैं, चलिए आओ। सेठ के दादी हैं क्या? ओ नहीं भाई। तो लड़का लड़का हुआ है? ना ना, चल तू। बताओ ना बाबा। ये भाई हमारे बड़े सेठ का स्वर्गवास हो गया है और उनकी पूरी जायदाद जो है हमारे छोटे सेठ को मिल गई है। इस खुशी में जलसा है। बड़े के मरने की खुशी में छोटा जलसा कर रहा है। बाबा कैसे रो रही है? ओ, तू चल ना। कौन बाबा? तुम्हारा छोटा सेठ बता ना कौन है? अरे वो है ना वो सामने, वो दाढ़ी वाला? नहीं भाई, वो लाल कोट वाला। अरे ये तो साला बट बजे वाला लगता है। चुप है साला बट बट। चल बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत से काम करना है। तू आ। रीटा कमाल है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम नाराज हो रही है। ड्रेस चेंज कर लो। नो सनी, इस मूड में पार्टी का मजा ही क्या आएगा। यू कैरी ऑन, आई विल मीट यू अगेन। ओके बाय। सुनो डार्लिंग, गोली मारो तो, जाती है तो जाने दो, अब हम आ गए हैं। What a surprise! यार मेरी समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें कॉन्टेक्ट कैसे। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में हर चीज की खबर रखता था। मुझे पता था कि आज तुम्हारे यहाँ पार्टी है। अरे एक दोस्त दोस्त की खुशी में शरीक ना हो तो लानत थी दोस्ती पर। That's a spirit. यार मुझे तेरे साथ बहुत सी बातें करनी थी, इतने थोड़े से वक्त में बहुत कुछ हो रहा है। तो चलो ऊपर चल। चलो एक विस्की तो लगानी ऊपर पीने लगे। अच्छा एक बात बताओ, तो तुम हो? अरे काम में इतना बिजी था कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। यार तुम मुझे बहुत सस्पेंस में ऊपर ले आए, कोई खास बात है क्या? जानते हो मेरे चाचा जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी, उनके एक्सीडेंट से मौत हो गई है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे चाचा उन लोगों में से नहीं थे जो अपने आप पर चले जाते हैं। वो उन लोगों में से थे जिन्हें भेजना पड़ता है। क्या मतलब? इसे पहचानते हो? ये तो वही ट्रॉफी है जो मेरे अंकल को बेस्ट एक्सपोर्ट के लिए मिली थी। तुम्हारे अंकल ने जाते जाते इसी ट्रॉफी से अपना सर खोल दिया। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। जिस वक्त उनकी मौत हुई मैं वहीं था। तुम उस वक्त वहां क्या कर रहे थे? उस दिन तुम्हारी बदनसीबी की कहानी सुनकर मैं तड़प उठा। मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें तुम्हारा हक दिला कराऊंगा। जब मैं बंबई आया तो उनसे मिलने गया था, उस वक्त वो बाथरूम में थे। अरे ये लाइट क्यों ऑफ हो गई रामू? अरे भी सुनते हो? अंदर आओ, लाइट तो दूसरी लाइट। आपको यहाँ आने का मतलब? यार इस ट्रॉफी से तुमने अंकल को खून किया? हाँ ला, मैं इसे ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां किसी के हाथ न लग सके। यू किल्ड हिम? नहीं, तुम्हारी मदद की, बुराई का खात्मा किया। सतयुग होता तो शायद भगवान खुद अवतार ले लेते, लेकिन आजकल ये काम हम जैसे भक्तों के सपूत कर देते हैं। चीज विकी विकी एटलीस्ट उछड़ा। हेलो। हाय सुनील। ओह आई एम सॉरी, आई होप आई डिडंट डिस्टर्ब यू। नो नो नॉट एट ऑल, मीट माय फ्रेंड विकी, दिस इज इंस्पेक्टर दिनेश। नाइस टू मीट यू। दिनेश ये मेरे खास दोस्तों में से है। तब तो एक रात होना आसानी से कर सकते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ ना जल्दी। अब बैठो कि नहीं? श्योर, मैं तो सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद है। हेलो। हाँ माँ, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या कल आ रही हो? अच्छा अच्छा, गुड्डू कैसा है? वो भी आ रहा है? अच्छा अच्छा। हाय मम्मी, गुड्डू।
कैसा बेटा? बस ठीक हूँ माँ। मैं इसकी क्या हालत बना रखी है? ये कुछ खाता पीता था या नहीं? एकदम दुबला हो गया। तू अपनी बात कर। मुझे क्या हुआ? आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं। रात को सोता नहीं था। अरे माँ कहाँ, वो इनकम टैक्स के लफड़े, सेल टैक्स के लफड़े, प्रॉपर्टी टैक्स के लफड़े, बस भाग दौड़ भाग दौड़, रात दिन हाँ अर्जुन, छोटे बाबू ना रात को खुद सोते थे और ना दूसरों को सुना देते थे। माँ तुम नहीं थी ना, तो घर बिल्कुल सुना सुना लगता था, खाली कमरे काटने को आते थे। हाँ मालकिन, छोटे बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप नहीं होते हैं तो इस घर की हालत कुछ और ही हो जाती है। बस अब तो मैं आ गई हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, अब देखो तुम जाकर आराम करो, थकी हुई लगती हो। मैं ऑफिस जाता हूँ और रात को देर से आऊंगा। काम बहुत है, काम बहुत। अच्छा बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू? फाइन। मिस सुंदरी आपका वेट कर रही है। मिस सुंदरी? सुंदरी, गुड मॉर्निंग टू यू। नमस्ते बेटे, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी अकेले में। बिमला जी थोड़ा और लीजिए ना। जी भाई। बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं आप। अरे महोदय कितने पैसे भाई? आप 3 रुपए। 3 रुपए? ले भाई तेरे 3 रुपए। आई 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 आई। एक ठंडी आइसक्रीम हो जाए। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो प्रीतम? माया तो आनी जानी है, सिर्फ प्रेम है जो अमर रहता है। लाओ भाई आइसक्रीम दे। ऐसे मौसम में आइसक्रीम का विचित्र आनंद है। ला भाई ये आइसक्रीम है कि त्रिशूल? पीताम्बर, 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 ये पशु की भांति कौन कोलाहल मचा रहा है? नीलांबर, पीताम्बर, नीलांबर, पीताम्बर, नीलांबर, पीताम्बर, नीलांबर, पीताम्बर, नीलांबर, पीताम्बर। मित्र कैसे अकस्मात मिल गए? मैं तो समझा मेरे नैन मुझसे छल कर रहे हैं, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? नहीं मित्र, ये सत्य है। अरे दुष्ट आ, गले लग जा। कैसे लगूं? निर्दयी संसार ने बीच में दीवार जो खड़ी कर रखी है। अरे मित्र तो उद्यान के उस द्वार से आ जा। पीताम्बर, नीलांबर, पीताम्बर, वर्षों से बिछड़े हुए अपने मित्र को दे मेरे में। मेरा हृदय गदगद हो गया है। नीलांबर, पीताम्बर, आजा दुष्ट गले लग जा। पीताम्बर, नीलांबर, पीताम्बर, मित्र सब कुशल मंगल है ना? प्रभु की दया है मित्र। इतनी गोपियां तो कृष्ण कन्हैया के साथ भी नहीं होती थी। अरे धूर, ये गोपियां नहीं है, ये तो मेरी मित्र है। बालिकाओं, ये है मेरे बालापन के साथी नीलांबर चतुर्वेदी। हम दोनों झुमरी तलैया की पाठशाला में एक साथ पढ़ा करते थे। नमस्कार महाराज। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, तुझ में कितना परिवर्तन आ गया है पीताम्बर। पाठशाला में तो किसी कन्या को देखकर तुम मौन व्रत धारण कर लिया करते थे। महाराज थोड़ी देर अगर कन्याएं ना नजर आए तो बेचैन हो उठते हैं। बड़ी चंचल, बड़ी चंचल है। बालिकाओं आज 10 वर्ष के पश्चात गंगा जमुना का संगम हो रहा है। आप लोग संगम कीजिए, हम लोग चलते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी, इसी मार्ग पर आप लोगों को छोड़ने पर विवश हूँ। मेरे मित्र जो आ गए हैं। कोई बात नहीं, अच्छा हम लोग चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय। पीताम्बर विवाह संपन्न हुआ कि नहीं? नहीं मित्र,
अभी तक किसी यौवन रूपी फूल पर मंडराने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। पूरी फुलवारी व्यर्थ में साथ लेकर घूम रहे थे। हाँ मित्र, कभी कभी मनुष्य कुएं की मुंडेर पर बैठकर भी प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। परंतु ये क्या, ये भगवा वस्त्र, ये रुद्राक्ष माला, ये कैसी दुर्दशा बना रखी है। इस माया रूपी संसार को त्याग कर हमने संन्यास धारण कर लिया है। क्यों, विश्वास नहीं होता? कैसे विश्वास हो, तुम पाठशाला में भी प्रतिदिन इसी प्रकार के आडंबर रचाया करते थे, कभी हनुमान, कभी वानर, कभी बाली, कभी सुग्रीव। हमारा तिरस्कार मत करो, हम वास्तव में संन्यास धारण कर चुके हैं। मित्र, घर चलो, वहां बैठकर बालापन की दो चार झांकियां देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। नहीं मित्र, तुम ठहरे संसारी और मैं एक सन्यासी, मैं मंदिर में ही अच्छा हूँ। मैं वचन देता हूँ मित्र, तुम्हारी दिनचर्या और पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आएगी। तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ मित्र, आओ मित्र, आओ। बुद्धू भैया, हमारे गांव में एक बहुत मोटी औरत थी, इतनी मोटी, इतनी मोटी कि 10 गुड्डू जमा कर लो तो एक बनेगी। उसको हम लोग सड़क फूटने वाला इंजन बोलते थे। वो कैसे चलती थी मालूम? अभी बता। जैसे हाथ नहीं चलती ना, बड़ी मुश्किल से। एक दिन वो एक हकीम के पास गई, कहने लगी, हकीम जी कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा वजन कम हो जाए। तो हकीम ने उसको 30 गोलियां ली और कहा, रोज एक एक करके खाओ, एक महीने में तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। तो दवाई लेके चली गई। जानते हो फिर क्या हुआ? दूसरे दिन उसका लड़का दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, हकीम जी मेरी माँ को देखिए। हकीम जी ने पूछा, किधर है तुम्हारी माँ, किधर है? उसने छोटी सी बच्ची को सामने कर दिया, तो ये रही मेरी माँ। तो हकीम जी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, बोलते, इतनी नन्ही सी बेटी तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है, बोलो। तो बोलने लगा, यही तो रोना है, जो 30 गोलियां तुमने कल दी थी ना, वो 100 खा गई थी सो, और इतनी छोटी सी हो गई, अब इसको ठीक करो। है ना मजेदार बात? आने में बहुत देर कर दी। ऑफिस में काम था। खाना लगवा दूं, खाओगे? खाना खाओगे? ऑफिस में खा लिया। मैं चलता है। माला जी, एक गिलास दूध इसे कमरे में पहुंचा दे। Yeah.
रे एकदम बेवड़ा है। जाने के बाद इस घर में क्या कुछ हो रहा था? पार्टियां हो रही थी, शराबें उड़ रही थी, क्यों ठीक है ना? और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ये तो अच्छा हुआ मालकी ने सब कुछ कह दिया, वरना तुमने छुपाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मालकी मैं देखो रामचंद्र, जो गलत है सो गलत है। अब इस घर में वो सब नहीं दोहराया जाएगा जिसने सुनील के पिताजी को बर्बाद किया, इस घर को बर्बाद किया। आप कुछ लेना चाहते हैं क्या? कुछ देना चाहता हूँ। जी जी हेलो सुनील साहब। हाँ हेलो रमेश भाई, ये है मेरी देरी होने वाली भाभी ना। नमस्ते भाभी जी, कहिए क्या दिखाऊं? टेक्सटाइल कॉस्मेटिक हैंडबैग जी। मुझे ज्वेलरी। उधर तशरीफ लाइए, आइए। आप पूरा मांगे, दरअसल मुझे इन बातों का तजुर्बा नहीं, पहली दफा किसी लड़की के साथ शॉपिंग करने आया हूँ। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट यू समथिंग। देखिए सुनील साहब, रिंग्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, बैंगल। रिंग्स दिखाता लीजिए। कौन सी पसंद है? आई थिंक दिस इज नाइस। रमेश, इसकी मैचिंग के बैंगल्स, नेकलेस, इयररिंग, साड़ी, ब्लाउज वगैरह वगैरह सब बांधो। थैंक यू वेरी मच। व्हाट नेक्स्ट? हेलो, हाय, ओह फर्स्ट क्लास। आज हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, जबरदस्ती तोहफों से लाद दिया। हाँ, और आज आपको मुझे घर पे बुलाया है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह काबू में आ रहा है। हाँ जानती हूँ जानती हूँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। ओके बाय बाय। कितने बजे पार्टी में चलना है? खैर मैं अभी बुलाती हूँ। हेलो रीटा डार्लिंग, कैसी हो मेरी जान? रीटा? यहाँ कोई रीटा नहीं है। डोंट टेल मी लाइज बेबी, डोंट टेल मी लाइज। इतनी सेक्सी आवाज केवल रीटा के और किसी की नहीं हो सकती। शट अप, सामान संभाल कर बात करो। हाय मेरी जान, तुमको तो गुस्सा करना भी नहीं आता। सुनो डार्लिंग, वो जोकर क्या कर रहा था उसको बताना। जोकर? कौन जोकर? इसका मतलब ये कि तुम जूली भी नहीं हो, तो फिर कौन हो सकती हो? ओ, लगता है सुनील ने कोई नया पटाखा फसाया है। मैं सुनील की माँ बोल रही हूँ। व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक मेरी जान। अगर तुम सुनील की माँ हो तो मैं सुनील का ग्रैंड फादर बोल रहा हूँ। चुप कैसे कैसे नीच दोस्त बना रखे हैं उसने। Thank you.
मालकिन बुला रही हैं। रामचरण, कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है जब मैं काम कर रहा हूं उस वक्त आके डिस्टर्ब मत किया करो। जी जाकर कह दो मैं सो रहा हूं। मगर मालकिन आप ही के बेडरूम में है। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूं। सुनिए, और क्या है ये काल पे लगा हुआ निशान साफ कर लीजिएगा। मर गया होता। देखो डाली, मेरा जाना बहुत ही जरूरी है। इस वक्त क्या टाइम हुआ है? 8 बजे ना। बराबर 10:30 बजे मैं तुम्हें फोन करता हूँ। प्रॉमिस। प्रॉमिस, बाय। बाय। तुमने बुलाया मुझे? कहाँ था? मैं पूछती हूँ कहाँ था? मैं माँ वो कहते इनकम टैक्स की तारीख थी। माँ चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया था, बिजनेस मीटिंग थी। तू समझता है तेरी माँ अंधी बहरी है? जो भी कुछ इस घर में हो रहा है ना वो देख सकती है ना सुन सकती है। बैठ यहाँ, आज मैं इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। बैठा क्यों नहीं? ये दोस्तों के मारे तो मेरा नाक में दम। नहीं धीरज रख मित्र, धीरज रख। कांच के टुकड़े फूल तो नहीं बन सकते ना। घोर अन्याय। आहिस्ता से चिकित्सक महोदय, जरा सावधानी। मेरे मित्र का शरीर बड़ा कोमल है। शास्त्री के बच्चे चूहो। कैसे चुप रहूं मित्र, कैसे चुप रहूं? 100 बार कहा है भोग विलास और मदिरा पान छोड़ दे, किंतु नहीं। अभी तो कांच के टुकड़े चुभे हैं, कल को देखना बर्छियां चुभेंगी, भाले घुसेंगे, कटारे चलेंगी। शास्त्री है सर, कैट आउट। शेक्सपियर का कहना है विमेन एंड वाइन डिस्ट्रॉय दाइन, अर्थात स्त्री और मदिरा पान मनुष्य का पतन है। जो व्यक्ति पराई नारी और पराए धन पर दृष्टि रखता है उसका सर्वनाश अवश्यम भावी है। शास्त्री आए से अब गंगा राम
कभी नहीं समझेगा। हाय सुनील। हाय विकी। हाय हाय हाय। सुना है मेरे दोस्त को बहुत चोट लगी है, सुनते ही दौड़े चले आए। कहाँ लगी है चोट? ये मत पूछे यार, शर्म आती है। अरे यारों से भी पता करते हो तुम। समझ गया समझ गया, मगर दोस्त यहाँ कैसे चोट लगी तुम्हें? गलती से कांच के टुकड़ों पर बैठ गया था। अरे किसी लड़की ने बेवफाई का बदला तो नहीं ले लिया? नहीं नहीं यार, ऐसी सूरत में दर्द नहीं, सिर्फ चुभन होती है। अच्छा अब ये बता है कैसा तू? ठीक है, हैंगओवर है गया। अच्छा एक बात बता, तेरी वो तलाश पूरी हुई या नहीं? लगता है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। चलो अच्छा हुआ यार, काफी दिनों से। ए मालती की बच्ची, ये फुटबॉल खेलने की जगह है क्या? छोटे बाबू मैंने नहीं, इसने गुड्डू भैया ने फेंका था। शराब अपने साथ साथ गुड्डू को भी गंवार बना देगी। गेट आउट, निकल। हर वक्त दादागिरी करता है। ये लड़की कौन है? अरे यार वो अपने ड्राइवर चाचा है ना रामचरण, उनकी बेटी है। पता नहीं माँ को क्या नजर आया है, इस बंदरिया को सर पे चढ़ा रखा है। सर छोड़, क्या लेगा? बियर, जिन? कुछ भी चलेगा यार। ठीक है, साले अपन तेरे साथ चलते रहे हैं, अगर तेरी बहन सुनील के साथ ना हुई तो लफड़ा हो जाएगा। आई एम श्योर रीटा अंदर है, रामी ने उसे बुरी तरह अपने चक्कर में फंसाया हुआ है। अगर ये बात है तो हम साले का कीमा बना देंगे, तेरी बहन हमारी बहन है। टाइगर फिर तेरा ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलेगा। डन डन। विजिटिंग कार्ड मांगता है। रीटा कहाँ है? हम पूछता है रीटा कहाँ है? रीटा? देखा मैं कहता था ना, वो यही है। जरूर इसने कहीं छुपा रखा है। मैं लेकर आऊं? हाँ हाँ उसे लेकर आओ, छोकरी के सामने ही फैसला हो जाए तो अच्छा है, ताकि ये फिर किसी के चक्कर में न पड़ सके। रीटा मैं कहता हूँ बाहर आ जाओ। रीटा यूं दूसरों के घर में जबरदस्ती। सॉरी जेंटलमैन, दरअसल ये समझा था इसकी बहन यहाँ। भाई साहब किसी शरीफ आदमी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले अपनी पैणी जी को जरा काबू में रखिए। यू रखकर झड़प, तुझसे तो हम निपटेंगे बेटा। सॉरी सर। सॉरी सर। शुक्र है भगवान का आप बच गए।
ये लो तुम्हारी बख्शीश। काम है क्या? ये लो ये सब रख लो और दफा हो जाओ यहां से। अरे सर गेट आउट। आप क्या कह रही हैं मालकिन? माला और इस घर की बहू? नहीं मालकिन, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें हमारा घराना पसंद नहीं? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। कहां छोटे बाबू, कहां मेरी माला, वो तो एकदम चाही लड़की है मालकिन। छोटे बाबू अगर मेरी खाल के जूते बनवा कर भी पहने तो मुझे फख्र होगा, लेकिन माला आपके कुल के काबिल नहीं। रामचरण, ये बड़े और छोटे की बात नहीं, तुम्हारी माला में बहुत गुण है। वो उन लड़कियों से हजार दफे अच्छी है जो सुनील के आसपास पैसे के लिए मंडराती रहती हैं। पिछले 6 महीनों में जिस तरह माला ने इस घर को संभाला है, शायद मेरी अपनी बेटी भी ना संभाल सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं माला को सिखा पढ़ा कर सुनील के लायक बना दूंगी। सुनील साहब का बंगला है, वो इस वक्त घर पे नहीं है, शाम को लौटेंगे। कोई मैसेज? जी। इधर आ। मैं? जवाब देते से मैंने दिया। कैसे होता है?
देख, तुझे एक और चीज दिखाती हूँ। ये तो मुझे आता है, है अच्छी तरह से। पल्ले मेरे पड़ गया पल्ले, पड़ गया पल्ले, पल्ले मेरे पड़ गया पल्ले, ये मेरा जोर चले समझ लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अरे कहा ना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें आने में देर हुई, मैं तुमसे नाराज हूँ, अब तुम मुझे मनाओ। कैसे? अरे भी मनाओ ना। सॉरी डार्लिंग, देर हो गई, माफी मांग रहा हूँ डार्लिंग, फिर भी नाराज हूँ हमसे। जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते। ओह माय गॉड, तुम्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं, किसी दिन यूं ही इंतजार करते करते मेरी जान निकल जाएगी। ऐसा ना कहो डार्लिंग, ऐसा ना कहो, मत रो, ट्रैफिक ज्यादा होने से टैक्सी मिलने में थोड़ी सी देर हो गई। छोटे बहाने मत लगाओ, सच्चा प्यार करने वाले तूफानों से टकरा जाते हैं, अगर तुम रोमियो होते तो उड़ के यहाँ आ जाते। हाँ अच्छा, मेरे सपनों की रानी, मैं वादा करता हूँ अब कभी लेट नहीं आऊंगा, अब तुम मुस्कुरा दो। तुम बड़े वो हो। वो क्या मान जी? अरे वो शास्त्री जी। जी जरा इधर आइए, क्षमा कीजिएगा माता जी, मैंने आपकी कल्पना के तारों को छिन्न भिन्न कर दिया। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बैठिए, मुझे आपसे कुछ काम है। मुझसे? बैठिए जी। जी बात ये है कि मैंने एक प्लान बनाया है। क्यों? हमने आपसे विनती की, किसी भी अतिथि को श्वास लेने का अवसर न दीजिए। बड़ी चाचरी, बस करो नी, बिला बिला के मारने का इरादा है क्या? साईं जी क्षमा कीजिएगा, पीने के पश्चात मनुष्य अगर सागर की लहरों की तरह डोले नहीं तो पीने का अर्थ क्या? क्षमा कीजिएगा। चलिए डालिए। जियो शास्त्री जियो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। निर्लज कहीं का सुनील, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। हेलो शास्त्री जी, क्या हाल है? आनंद है। अरे तुम्हारे यहाँ क्षमा। मित्रवर, संसार में रहना है तो ये सब षड्यंत्र रचने ही पड़ते हैं। हाँ ठीक है, एक बात तो बताओ यार, वो तुम्हारी है कहाँ मिस शिमला? आहा क्या हृदय है, कन्या का नाम सुनते ही किलकारियां भरने लगता है। धीरज रखो भाई, आ जाएगी आ जाएगी। इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हो बेटे, चीज कोई खास होगी। अभी से इतने एक्साइट हो रहे हो, पहले देख तो लो। रीटा, हम तो इस पार्टी में तुम्हारे लिए तो आए। डोंट टेल मी, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, पूछो शास्त्री को। शास्त्री जी और मिस शिमला। ओ स्वीटी, तुम्हारे सामने अगर एक डजन मिस शिमला खड़ी हो जाए तो ऐसा लगेगा ट्यूबलाइट के सामने मोमबत्तियां जल रही। यू नो हाउ टू फ्लटर। शास्त्री, ये पार्टी को पवित्र करने के लिए अगरबत्ती भी लाए हो। अगरबत्ती? उधर नहीं उधर नहीं, वो दूध वाला बाबा। ये तो मेरे मित्र है, वो भी बालापन के। जरूर तुम्हारे जरा पाखंडे होंगे। जी नहीं, बड़े ज्ञानी है। आइए मैं आपका परिचय करवाता हूँ। आइए रीता जी, आइए 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 आइए। नीलांबर, पीतांबर, यहाँ का वातावरण बड़ा मंगलमय है। धन्यवाद, आपसे मिली, आप है मेरे मित्र सुनील जी। नमस्ते। नमस्कार। और आप है रीता जी। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। ये तो बिल्कुल मेनका लगती है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आप जरा मेरा हाथ देखिए ना, अति सुंदर अति कोमल। मेरा मतलब है हाथ की रेखाएं। बालिके, विधाता के बही खाते में देखना,
हमारे लिए निषेध है। महाराज जी, ऐसी पार्टी में आप कैसे आ गए? बालक, असली साधु वो होता है जो अंगार पर चले तो आंच ना आए, धन्य जल में उतरे तो शरीर गीला ना हो, वाह, और अगर कहीं भोगी विलासियों में आ जाए तो मन विचलित ना हो। वाह वाह वाह। वेटर महोदय, क्या निद्रा में हो? देखते नहीं हमारे मित्र आए हुए। मैं क्षमा चाहता हूँ। नीलांबर, पीतांबर। अरे राजा महोदय, नमस्कार। नमस्कार, आप थाईलैंड से कब? आज ही आया हूँ। अच्छा अच्छा, सुनील से नहीं मिला? नहीं। सुनील बोल रहा, जरा मिल लीजिए, मैं तो क्षणों में आया। जी चलिए चलिए। मित्रगण, जिनके सम्मान में इस समारोह का आयोजन किया गया है वो मिस शिमला यहाँ उपस्थित है। मिस शिमला, लड़की कितनी जी? जी। आप हैं श्रीमान राजा साहब, थाईलैंड से आए, कुमारी सरोजनी। हाँ जी। आप हैं कुमारी सुरैया। हेलो। श्रीमान देवधर। नमस्ते। शास्त्री, ये लड़की कौन है? शिमला। लेकिन ये तो हूबहू मालती है। मेरा मतलब है वो तुम्हारे नेत्र तुमसे छल कर रहे हैं। कैसे हो सकता है, वही शक्ल वही सूरत। तुमने बाइस्कोप सीता और गीता नहीं देखा? तुम्हारा मतलब है एक ही शक्ल की दो लड़कियां? जी। नहीं, इम्पॉसिबल। सुनिए, मालती, ये सब क्या है? मालती? कौन मालती? आई एम नॉट मालती। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि तुम मालती नहीं हो। डोंट बी स्टूपिड मिस्टर शास्त्री। जी। जो मुझे यकीन है उसने मुझे पहचान लिया है। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मालती जी, आप बिल्कुल विचलित ना हो। आपने जो उत्तर दिया ना वो शत प्रतिशत उचित था। अब देखिए, आप, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी काली कलोटी के नखरे बड़े, मेरी काली कलोटी के नखरे बड़े, हंस की चाल में देखो कौआ उड़े, मेरी काली कलोटी के नखरे बड़े, मेरी काली कलोटी के नखरे बड़े। क्या हसीना है ये एक नगीना है ये, क्या हसीना है ये एक नगीना है ये, बारहो मास तपे वो महीना है ये, अभी तो ना है तो अभी माशा है ये, मेरी माशूक है या एक तमाशा है ये, रोग चेहरे पे और एक चेहरा जड़े, मेरी काली कलूटी के नखरे बड़े, मेरी काली कलूटी के नखरे बड़े, मेरी काली कलूटी के नखरे बड़े। सदके बदल कर क्या फैशन ये सूरत बदली है, बदल कर क्या फैशन ये सूरत बदली है, बिना पर की तितली संवर कर निकली है, लगा दूं गालों पे ये बिंदिया काजल की, नजर लग जाए ना आए किसी पागल की,
के नखर बड़े मेरी काली कलूटी के नखर बड़े मेरी काली कलूटी के नखर बड़े लाने की क्या जरूरत थी? हमारी सेहत बनाने का इरादा है। मैं कौन सा सर पे उठा कर लाया माँ जी? शिमला में मेरा बहुत बड़ा बाग है। जब नौकर ने देखा कि मैं आ रहा हूँ, तो उसने पैक कर दिया। गुडू, कैच। वाह वाह क्या पकड़ा, तू तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। और माँ जी, क्लीन बोल्ट, क्या गुगली मारा है? माला, ये फल अंदर रखवा दे और विक्रम के लिए चाय भिजवा देना। माँ जी, गुड्डू का स्कूल कब शुरू हो रहा है? अभी तो एक महीना और है। ऐसे वाले 5 मिनट के बाद छत पे मिला। अरे बेटा, ये विकी इतने दिनों के बाद आया है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा। एक काम करो, आधे घंटे के बाद पार्क में। नहीं आओगे? Hi Vicky. Hi Sunil. Looking healthy, As usual. अच्छा बेटे, तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। पूजा को देर हो रही है। क्या हाल है? Fine. तुम कहाँ गायब हो जाते हो? कहाँ देखते थे? यार अपनी जिंदगी में एक ऐसी उलझन है जिसे सुलझाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ की खाक छानी पड़ी। मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं यार, फिलहाल तो अकेला ही तकदीर से लड़ रहा हूँ। जिस दिन जरूरत पड़ेगी तुमसे जरूर कहूंगा। जरूर कहना, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर। जानता हूँ दोस्त। अच्छा मैं चलता हूँ यार। क्यों, कुछ चाय भी पी ले जा? नहीं, बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, लेट हो जाऊंगा। ठीक है, अगर लेट हो जाओगे तो ओके। सी यू देन, मैं टेलीफोन करता हूँ। अच्छा जिंदगी में सैकड़ों लड़कियां आई, मगर मगर तुम में जो बात है
किसी लड़की में नहीं, यही ना। मैं भी जब इस घर में आई थी तो ये सोचा भी नहीं था मुझसे प्यार करने लगोगे, यही ना। जो तुम्हारे दिल में है वो मेरी जुबान पर है, जो तुम्हारी जुबान पर है वो मेरे दिल में है। माला, मैं शायद इतना अच्छा आदमी तो नहीं हूं, मेरी जिंदगी को प्यार से कभी दूर का भी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल बदल दिया है। आज मुझे पता चला प्यार करने और ना करने में इतना फर्क होता है। मैं कल ही मां से शादी की बात कर रहा हूं। शादी? मैं इस काबिल नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। हराम शादी, तवायफ के टुकड़ों पर बनी और नैना मजनू के अफसाने लिखने चली है। तुम मुझे मार डालो, मुझे जिसे प्यार करती हूँ उसे धोखा नहीं दे सकती। अपने यार को धोखा नहीं दे सकती, मगर उसे धोखा दे सकती है जिसने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। हराम शादी, क्या कोमल कोमल झाग है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने दही मंथन करके माखन निकाल के रख दिया हो। बड़ा आनंद आ रहा। याद है झुमरी तलैया के सूरज कुंड में हम लोग किस भांति कुलेल किया करते थे? अरे हाँ, और वो याद है तुम्हारी पीठ पर एक जोंक लिपट के चिपट गई थी? अरे झूठ, उसकी याद मत दिला। अब भी उस घटना की याद आती है तो मैं सिहर उठता हूँ। दुष्ट मेरे शरीर का आधा रक्त पी गई थी। चिंता न करो मित्र, ये बंबई का कुंड है, इसमें जोंक नहीं आ सकती। यदि आ भी गई तो रक्त कदापि न पिएगी। यहाँ मनुष्य का लहू केवल मनुष्य पीता है। बड़ी विचित्र बात है मित्र, उस षड्यंत्र का क्या हुआ जो तूने रचा था? पंछी प्रेम का दाना चुगने लग गया है। बड़ा भाग्यशाली है सुनील, मैं जब किसी कन्या के सामने प्रेम प्रस्ताव रखता हूँ तो करम भूटी मूर्छित हो जाती है। जब वो रखता है तो गद गद हो जाती है, जैसे मैं कोई काला राक्षस हूँ और वो राजा इंद्र। मित्र हंस क्यों रहे हो? तुम बड़े नटखट हो मित्र। तुम भी बहुत चंचल हो। चलो जलपान का समय हो गया। जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे, जय गंगे। कौन है? रामचंद्र, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, सच सच बताओ माला कौन है और तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? छोटे बाबू, माला मेरी बेटी है। तुम झूठ बोलते हो। दोनों ने मिलकर ऐसी साजिश की है कि इस घर की दीवारें हिल गई। छोटे बाबू, छोटे बाबू, माला को मैंने पाला जरूर है, मगर हाँ वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। फिर किसकी बेटी? मैं सौगंध खाकर कहता हूं ये मैं नहीं जानता। फिर माला तुम्हें मिली कहां? आज से बहुत दिन पहले की बात है, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में पड़ा हुआ था। मैं ट्रेन का नहीं पूछ रहा, माला का पूछ रहा हूं। वही तो बता रहा हूं छोटे बाबू, मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में पड़ा हुआ था और मेरी बगल में एक नन्ही सी बच्ची सोई हुई थी। अस्पताल वालों ने यह समझा कि ये मेरी बच्ची है, क्योंकि उसे कोई लेने नहीं आया था। मैं उसे अपने घर ले आया। छोटे बाबू, मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, मां की ममता थी, बाप का प्यार थी। फिर उसके दिल में ऐसा कौन सा चोर है जिससे वो मेरी जिंदगी से दूर भागना चाहती है? उसके मन में ऐसी कौन सी बात है जिसने उसे इस घर को छोड़ने पर मजबूर कर दिया? छोटे बाबू, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, माला मेरी बहन के यहां जवान हुई है और मेरी बहन अच्छे चाल चलन की औरत है। शायद मारा इसीलिए। समझा, तुमने एक बाजारू लड़की को अपनी बेटी का रूप देकर इस घर में धकेल दिया ताकि वो हमारे खानदान की इज्जत से खेल सके, इसकी दौलत समेट सके। इस कदर जलील और कमीने निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। मालिक, मालिक आप और जो चाहे कह ले, लेकिन ये इल्जाम मुझ पर ना लगाए। मैं इस खानदान की इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बहन करो अपनी बकवास, वो जलील लड़की तुमसे कहीं ज्यादा अच्छी थी, उसका जमीन तो जिंदा था
अपना काला मुंह लेके इस घर से चली तो गई। सुनिए, ये तेरा बहन है, मालापुरी लड़की नहीं है। मां तुम्हें बाजारू लड़की की हिमायत करती हूँ। हाँ बता, उसे बाजार का ये उन लड़कियों से हजार दर्जे अच्छी है तो तेरे दौलत के लिए तेरी आगे पीछे मंडराती रहती है। जिंदगी में पहली बार तुझे अच्छी लड़की मिली और तूने उसे गलत समझ लिया। जा, जा जाकर उसे वापस ले आ। मैं उसकी सूरत देखना नहीं चाहता, मुझे उसे नफरत है। रामचरण, गाड़ी निकालो, मैं माला को लेकर आऊंगी। रामचरण, गुस्सा विश्वास का दुश्मन होता है और इस वक्त सुनील गुस्से में है। मगर मालकिन, आपका वहां जाना। तुम गाड़ी निकालो। करोड़पति की बेवा एक नाचने वाली के दरवाजे पर? नहीं बहन, एक मां दूसरी मां के पास आई है। आ गई हो तो ख्याल रखना इस गंदगी के छींटे ना पड़ जाए तुम पर। बदमाश! वाह वाह, क्या हिमायत है! मालकिन की बेइज्जती करते हुए शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मालकिन, कुत्ते की तरह जिसके टुकड़े पर पल रहे हो, जिसने मुझे बर्बाद किया, इस कोठे की रौनक बनाया, उस वक्त शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बहन के तवायफ होने पर तुम्हारा खून नहीं खोला, मालकिन के लिए तुम्हारा खून खोल उठा। लील औरत, चुप कर। मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इसमें बड़े सेठ का कोई कसूर नहीं था। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, उसके साथ ही उसकी बुराइयां भी चली जाती हैं। अच्छे लोग जाने वाले की गलतियां और गुनाहों को माफ कर देते हैं। मुझे इस पेशे से नफरत है और उस आदमी से सख्त नफरत है जिसने ये पेशा मेरी जिंदगी पर लाद दिया। मालती को इस माहौल से निकलने का मौका मिल रहा है और आप उसे रोक रही हैं। आप नहीं चाहती कि वो एक शरीफ घराने की बहू बने? शरीफ? तुमसे तो वो लोग अच्छे जो यहाँ आते हैं, उनके चेहरे पर शराफत का नकाब नहीं होता। यहाँ लोग अय्याशी करने आते हैं और अय्याशी करके चले जाते हैं, प्यार के नाम को बदनाम नहीं करते। तुम्हें भी इस कोठे पर बैठना पड़ता तो पता चलता। तेरी का अपमान कर रही है, मैं तेरी तमाम कर दूंगा। इन्हें कुछ मत कहो, इन्हें अपना दुख हल्का कर लेने दो। मैं आपसे हाथ छोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, चलिए यहाँ से। जिस औरत को न भगवान का खौफ है न समाज का, ऐसी औरत के मुंह लगना भी बुरी बात है। चलिए आइए मालकिन। आई थी बड़ी शराफत का झंडा लेकर हाथ में लड़की को लेने, जैसे इसके बाप की लड़की है। अगर अपने लड़के के लिए ऐसे ही दुल्हन चाहिए तो मेरा ही कोठा क्यों, किसी भी कोठे से उठाकर बना ले उसे अपनी बहू। तो अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा। चल मालती, बहुत हो गया। रामचरण, तुम इसे नहीं ले जा सकते। इस लड़की पे तुझसे ज्यादा मेरा हक है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, हिम्मत हो तो रोक ले। मैं कहती हूँ छोड़ दो। ये मेरी पत्नी है कि मैं तुझसे और उसका भाई हूँ। चलो मालती। कब से
से बैठे पी रहे हो मित्र, ये शराब है, जलजीरा नहीं। शास्त्री, तुम मेरे दर्द को नहीं समझोगे, किंतु इतना अवश्य समझता हूं कि प्रेम की स्मृतियां इस प्रकार नहीं मिटा करती। प्रेम, नफरत हो गई मुझे इस नाम से। नफरत? नफरत है तो उसको मन से भुलाने के लिए मदिरा पान क्यों कर रहे हो? शास्त्री, मैंने एक बाजारू औरत से प्यार किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। छी 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 छी, उसे बाजारू औरत कहते हो? अवश्य तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुमको मालूम है, अगर वो चाहती तो अपनी वास्तविकता को छुपाकर तुम्हारे घर की बहू बन जाती और तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले जाती, किंतु नहीं, उसने तुमको धोखा देना उचित नहीं समझा, अपना हृदय तोड़ना उचित समझा। उस जलील औरत ने सोचा होगा मैं उसके नाटक में आ जाऊंगा। तुम जीवन भर कंकरियों से खेलते रहे, सौभाग्यवश एक अनमोल हीरा मिला, उसे भी कंकर समझकर फेंक दिया। वो अनमोल हीरा अभी भी शोकेस में पड़ा हुआ है, जी चाहे तो उसे खरीद कर अपने घर ले जाओ। मैं तो जन्म से ही मूर्ख हूँ मित्र, व्यर्थ समय न गवाओ, कहीं ऐसा ना हो वो मन की पीड़ा से विचलित होकर कुछ कर बैठे। हाँ मित्र, क्यों माना? हाँ गुड्डू भैया, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चलो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। हाँ बेटे, प्रॉमिस, कहीं नहीं जाऊंगी, और हाँ कल दो नई कहानियां सुनाऊंगी। तू भी जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। तुम्हारे बगैर मैं कितना अकेला हो गया था। गया है।
रघुकुल रीत सदा चली आई। नीलांबर, नीलांबर। पीताम्बर? नीलांबर सर्वनाश हो गया। क्या हुआ मित्र? कुछ बालिकाएं नाटक के लिए चंदा मांगने आ रही हैं। हम थोड़ी देर के लिए पीछे छिप जाते हैं, उनसे कह देना हम यहाँ नहीं हैं। अर्थात हम साधुओं को झूठ बोले? नहीं मित्र। मित्र मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा मित्र? मित्र मित्र नमस्कार महाराज। महाराज नमस्ते। महाराज नमस्ते। महाराज आयुष्मान भाव। शास्त्री जी कहाँ हैं? शास्त्री जी? मनुष्य तो प्रभु का रूप होता है और प्रभु यहाँ वहाँ हर स्थान पर हो सकते हैं। सिर्फ देखने वाले के नेत्र चाहिए बालिकाओं। इनको अगर साधु का रोल दे दे तो बड़ा मजा आ जाए। हाँ हाँ ड्रामे में जान आ जाएगी। महाराज आप हमारे ड्रामे में साधु का पाठ करेंगे? तुम्हारे कहने का तात्पर्य रामलीला? नहीं महाराज, नाटक जवानी की हवा में। बालिके तुम साधु का तिरस्कार कर रही हो। बैराग अभिनय नहीं, आत्मा की लगन है, मन को पवित्र करने का साधन है। महाराज प्लीज हमें स्पर्श बंद करो। सिर्फ दो घंटे की बात है। बालिके हमसे दूर रहो, हमारी तपस्या भंग हो जाएगी। तो हाँ कर दीजिए ना महाराज। कदापि नहीं। फिर हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है, हम अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। हम वो साधु नहीं जिनका पतन आसानी से हो जाए। हम इसीलिए मंदिर में निवास करना चाहते थे। हम जानते थे कि इस माया नगरी में पग पग पर मेनकाएं मंडरा रही हैं, जो अवसर प्राप्त होने पर तपस्वियों को नागिन बनकर डस सकती हैं। परंतु असली साधु वो होता है अरिदुष्ट, असली साधु वो होता है उल्टा, असली साधु वो होता है पापिन। ये तो हम है नीलांबर। पीताम्बर। नीलांबर। पीताम्बर अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम तुम्हारे आडम्बरों में भाग लेकर पाप के भागी नहीं बन सकते। नहीं मित्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अपने मित्र को इस तरह पीड़ित करके न जाओ, इस तरह बैया छुड़ा के न जाओ मित्र। आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। मैं भी तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। रियली? मतलब आज का दिन हम दोनों के लिए अच्छा है? ऐसा ही लगता है यार, आज बरसों बाद मेरी। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा। एक काम करते हैं, टॉस करते हैं। चल यार तू भी क्या याद करेगा, तू ही बता दे। तू मेरा मेहमान है ना, कहते हैं मेहमानों की खातिर करनी चाहिए। हर कदम पे एहसान। अच्छा सुन, आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ। शादी? फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा एक चीज बता, लव मैरिज अरेंज? लव एंड अरेंज दोनों ही है। ठीक है दोस्त, चुपके 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 प्यार कर लिया, हमें बताया तक नहीं। एनीवे हु इज द लकी गर्ल? हमारे ड्राइवर चाचा की लड़की है, माला। ड्राइवर चाचा की लड़की माला, जिसे तूने उस दिन मेरे घर पे देखा था। कमाल है, हम कहां जाके टकरा है? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तू दूसरी लड़की ढूंढ लेना। मैं समझा नहीं। याद है तुम मजबूरियों के हाथों बिक चुके थे और मैंने तुम्हारी सहायता की थी? हाँ याद है। और तुमने कहा था कि मेरी खातिर तुम अपनी जान भी दे दोगे। हाँ हाँ याद है, लेकिन इन बातों का माला से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है माला की जिंदगी मेरी मौत है। भगवान के लिए साफ साफ कहो क्या बात है। माला मेरी सौतेली बहन है। क्या? हाँ वो बचपन में खो गई थी, मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, आज पता चला। कुछ उलझ गया हूं मैं, अगर वो मिल गई है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। नहीं दोस्त, पिताजी ने किसी फिजूल जिद में आकर वसीयत उसके नाम कर दी थी। माला अगर जिंदा रहती है तो मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलती, अगर वो मर जाती है मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ठीक है, मुझे उसकी दौलत नहीं चाहिए, शौक से ले लेना, मेरे पास बहुत कुछ है। मैं माला से कहकर तुम्हें सब कुछ दिलवा दूंगा, वो मेरी बात नहीं टालेगी। इफ मनी इज व्हाट यू वांट यू विल गेट इट। मैं खैरात के कंधों पर अपनी जिंदगी का बोझ नहीं लादना चाहता, और फिर वसीयत नामे के मुताबिक यह जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती, सिर्फ माला के मरने के बाद ही ये मुझे मिल सकती है, इसलिए उसका मरना बहुत जरूरी है। तो तुम चाहते क्या हो? उस लड़की की मौत, वो भी तुम्हारे हाथों। मेरे हाथों? हाँ, क्योंकि जायदाद का दूसरा हकदार मैं हूं, इसलिए मैं इस मौत में नहीं उलझना चाहता। तुम पर किसी को शक नहीं होगा,
विक्की, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। प्यार तो फिर कभी किसी से कर लेना मेरे दोस्त। विक्की, विक्की, आई एम नॉट अ मर्डरर। खूनी मैं भी नहीं था दोस्त, मगर तुम्हारे खातिर बन गया। तुम एक दोस्त के लिए मामूली सा काम नहीं कर सकते। मेरी तरफ कोई उंगली नहीं उठी, तुम्हारी तरफ भी कोई उंगली नहीं उठेगी। इम्पॉसिबल। तो फिर दोस्त, इत्तेफाक से वो सारे सबूत हैं मैंने समुद्र में फेंकने को कहा था। मुझे चाचा का कातिल साबित कर दोगे? ठीक है, कर दो। माला की जान लेने के बजाय मुझे फांसी पे लटकना मंजूर है। ऐसे फैसलों में जल्दबाजी नहीं किया करते दोस्त। आराम से बैठकर सोच लो, अगर इरादा हो तो मुझे खबर कर देना। बाकी काम मैं खुद ही कर लूंगा। आपने मुझे बुलाया मालिक? रामचरण, तुमने कहा था ना माला तुम्हें ट्रेन में मिली थी। जी हाँ मालिक, आपके चरणों की सौगंध। वो सब छोड़ो, उसके पास ऐसी कोई निशानी थी जिससे पता चले कि हाँ, वो मालिक उसके गले में एक लॉकेट था। कहाँ है वो? वो लॉकेट और वो फ्रॉक मैंने संभाल के रखे हुए हैं। अब कहाँ है वो? मेरी बहन के पास। तुम्हें यकीन है ये सब चीजें उसके पास अब भी होंगी? मालिक मैंने अपने हाथों से संदूक में रखे थे। रामचरण, ये सब चीजें तुम ला सकते हो? हाँ मालिक, ला सकता हूं। नेपोलियन की डिक्शनरी में था ना हमारी। ये लो सारा सबूत। थैंक्स। जैसे चाहो दो, जैसे चाहो कैश कर लो। ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी? बिल्कुल नहीं, ना रोने का मौका ना फरियाद का। गुड, लेट्स सेलिब्रेट इट। ये हो ना कोई बात। शेखर, आज तुमने वो काम किया है कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई। अच्छा, लो चीयर्स। किसी को न रोने का मौका देते हैं न फरियाद का। हाय लव। हाय, ये लो तुम्हारे सबूत। जिसे चाहो दो, जैसे चाहो कैश करो। कमबख्त ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? जो मर जाते हैं उन्हें गाली नहीं देते। यू आर राइट। ये लॉकेट
कब से मेरी रातों की नींद हराम किए हुए था। एक बात बताओ, ये लड़की जानती है कि वो लाखों की वारिस है? वारिस तो तब होगी जब वो जिंदा रहे। मार दी गई तो तुम पर उसकी मौत का शक नहीं होगा? आज तक और किसकी मौत का शक हुआ है मुझ पर? मगर वो रिलैक्स बेबी रिलैक्स। जब मैं छोटा सा बच्चा था, एक ज्योतिषी हमारे घर में आया, कहने लगा ये बच्चा बड़ा भाग्यवान होगा, दूसरों का माल और दूसरों की जिंदगी इसकी मुट्ठी में होगी। सुनील के चाचा के 7 लाख रुपए देने थे, उसे मारकर मैंने अपना कर्जा उतार दिया और तुम्हें सुनील से मिला दिया ताकि चाचा के बाद भतीजा हमारे हाथों में रहे। लगता है इस खानदान से मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है। मेरी सौतेली बहन माला भी मिली तो इसी घर में। अब उसे मारकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा और फिर हम दोनों जिंदगी भर ऐश करेंगे। तुम ठीक कहते हो सुनील, बट आई एम सॉरी, मैं उसे कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं? यकीन करो, दिलेश वो माला का खून कर देगा। उसने मुझे साफ लफ्जों में कहा। तुम चाहो तो मैं उसकी हिफाजत के लिए पुलिस का बंदोबस्त कर सकता हूं। हेलो, व्हाट आर यू श्योर? ऑलराइट, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है सुनील। क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे ड्राइवर का खून कर दिया है। देखा, निकी ने उसे भी मार डाला। वो सबूत लेकर आ रहा था। कैसा सबूत? माला को जायदाद का वारिस साबित करने का सबूत। तुम नहीं जानते हो दिनेश, निकी जायदाद के लिए ऐसे 10 खून और करेगा। वो जनूनी है, पागल है। अभी भी वक्त है, गिरफ्तार कर लो उसे। सुनो, आई एश्योर यू, अगर वो खूनी है तो हमारे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। जब खून हुआ वो कहां था और क्या कर रहा था, हम अच्छी तरह से इंक्वायरी करेंगे। हेल्प विद योर इंक्वायरीज। अब मैं तुम्हारी मदद पे डिपेंड नहीं करूंगा। माला की हिफाजत मुझे खुद करनी पड़ेगी, और अगर जरूरत पड़ी तो आई विल किल दैट बास्टर्ड। तेरे जाने के बाद पुलिस के कुछ आदमी आए थे, वो माला को अपने साथ ले गए। इसके आगे? क्यों? वो रामचरण की लाश है ना, उसे पहचानने के लिए। तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? पुलिस के आदमी थे। मैं क्यों, क्या बात है? तुम्हें पूरा यकीन है वो पुलिस के आदमी थे? मुझे लगते तो पुलिस के थे। क्यों, क्या हुआ? उसे
हेलो, सुना है विरासत के सबूत ढूंढ रहे हो दोस्त? जी हाँ, और बहुत जल्द हासिल करके रहूंगा। अगर न मिले तो हमें याद कर लेना दोस्त, पहले भी मदद की थी, फिर कर देंगे, हम तो यारों के यार हैं। तुमने इस वक्त यहाँ फोन क्यों किया? यही जानने के लिए कि इरादा विरादा बदला कि नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरा इरादा वही है, मैं माला से शादी कर रहा हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, कमाल है दोस्त, तुमने हमें याद तक नहीं किया। तुम जैसे क्रिमिनल माइंडेड आदमी से मेरा कोई वास्ता नहीं। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है दोस्त, दोस्ती के बंधन इतने आसानी से नहीं टूटा करते। जहनु में जाओ तुम और तुम्हारी दोस्ती। गुड़ो है। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारा दोस्त कल शादी कर रहा है। किससे? और कौन होगी, मेरी जिंदगी की चुभन। फिर तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल आसान होते क्या देर लगती है? मगर कैसे? शादी से पहले शादी का तोहफा दे देते हैं। बेटा, इसमें से जो जो पसंद है ना वो ले ले। माँ, ये औरतों का डिपार्टमेंट है, मैं क्या जानू, तुम कुछ मदद करो ना माँ की। अरे तू नहीं जानता इसे क्या सजेगा। तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने, मैं चलता हूँ, एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। आप लोगों को जो भी पसंद है ले लेना। चलो रमेश, इसका बिल ऑफिस में भेज देना। ओके सर। क्या बात है मां जी, आप इतने उदास क्यों हैं? बताइए। जरूर कोई बात है, मुझे भी बताइए, मुझसे क्यों नहीं कहते? मां जी प्लीज मुझे भी बताइए, क्या आप अभी भी मुझे गैर समझती हैं? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। क्या हुआ सुनिए, मुझे बताओ। मुझे नहीं बताओगे? मुझे भी नहीं बताओगे? तुम ना ही सुनो तो अच्छा। क्यों, ऐसी क्या बात है? तुम सुन नहीं सकोगे माला। भगवान के लिए सुनिए, तुम्हें मेरी कसम, जल्दी बताओ क्या है। तुम्हारा सुनील अब कभी चल नहीं सकेगा। सुनील, डॉक्टर ने कहा है मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गया हूं। ये क्या हो गया सुनील, ये क्या हो गया? माला, तुम अपने लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेना। ऐसी मनहूस बात जबान पर मत लाना सुनील। देखो माला, मैं तुम्हारी जिंदगी को अपनी बदकिस्मती की लपेट में नहीं लाना चाहता, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? अगर मैं अपाहिज हो जाती तो तुम मुझे रास्ते में छोड़कर चल देते। तुम्हारी जिंदगी ने अभी अभी मुस्कुराना सीखा है, मैं उसे फिर से आंसुओं के हवाले नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे अपने से जुदा करने की कोशिश मत करना। अगर कोशिश की तो मैं जान दे दूंगी। माला, किसका फोन है? एक कॉर्पोरेशन का इंजीनियर है। हेलो, स्पीकिंग। आज बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं आप? आज ही?
फिर किसी दिन नहीं हो सकता? ऐसे ठीक है, मैं अभी आता हूं। जी हाँ बाला, ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले। सुनील कहाँ जा रहे हो? बिल्डिंग साइट पे जा रहा हूँ माँ, वहाँ एक बहुत जरूरी मीटिंग। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जा सकता? नहीं माँ, संडे है, आज कौन आएगा? वैसे भी ये मामला काफी लंबा हो चुका है, आज फैसला हो ही जाए तो अच्छा। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम वहाँ क्या करोगी? ड्राइवर है, गाड़ी वो चलाएगा। उसकी जरूरत नहीं, ड्राइव मैं करूँगी। सुनील इसे भी अपने साथ ले जाओ। इसे कहाँ ले चलूँ मैं? बहुत दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकला, मन बह जाएगा इसका। माँ वहाँ पर मीटिंग है, ये खामोखा मुझे डिस्टर्ब करता रहेगा। तुम नहीं करेगा, क्यों चुपचाप गाड़ी में बैठेगा ना? एक भैया की तबीयत ठीक नहीं है, तंग मत करना। ले चले। सुनो मेरे कपड़े निकालना। यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं दोस्त, हम किसी को निराश नहीं करते। तुम जो काम तुम नहीं कर सके सोचा मैं खुद ही कर लूं, वो भी तुम्हारी मौजूदगी में। क्या बकवास कर रहे हो? अब भी मान जाओ दोस्त, हल्का सा धक्खेल खत्म, किसी को पता तक नहीं चलेगा। वाकई पागल हो। खामोश लंगड़े, कुर्सी पर बैठ कर देख जिंदगी किस तरह मौत में बदलती है। शराब, मुझे लगता है इससे पहले तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं लंगड़ा हो गया हूं कमीने, अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो तू कभी मेरे सामने नहीं आता। बेटे
क्या कोई एक्सीडेंट देखा है? बेचारा बोल नहीं सकता, लगता है कहीं घर भूल गया है। घबरा मत बेटे, मार्केट देखिए, उसने मुझे खून करते हुए देख लिया है। इससे पहले कि वो पुलिस को सब कुछ बता दे, तुम किस तरह उसको वहां से ले आओ। हाँ, क्या तुम देख सकते बेटे? अच्छा तुम्हें लिख के बताओ कि क्या क्या हुआ। विक्की, विक्की अंकल, वेरी गुड, गुड टू गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। गुड इवनिंग। गुड टू बेटे, हम लोग तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। क्या आप जिससे जानती हैं? जी हाँ, मैं इसकी आंटी हूँ। क्यों बेटे, आपकी आंटी है ये? अच्छा वो आप आ गए, ये बहुत घबराया हुआ था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। क्यों बेटे, आंटी के साथ जाओगे? मगर ये किसी विक्की अंकल और मारपीट का जिक्र कर रहा था। बच्चे कभी कभी ऐसी चीजें देख लेते हैं जो इन्हें नहीं देखनी चाहिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो बुड्डू। अच्छा बेटे, मैं संभालूंगा।
आपने जिस तरह से पुलिस की मदद की है वो काबिले तारीफ। मुजरिम विक्रम को उसके किए की सजा मिल गई। इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ और एक लड़की है। आपका मतलब मिस रीता से है? जी हाँ। उसे भी खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मिस्टर सुनील, पुलिस को आप जैसे नौजवान पर फख्र है। थैंक यू सर।